हाय दोस्तों, टेक वीकी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जियो स्पीड को 30 Mbps तक बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ऐसे में काफ़ी फेक वीडियोस बनाए हैं काफ़ी लोगों ने, तो मैं आपको उसी का टेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो अभी हमें क्या करंट स्पीड आ रही है हम देखते हैं। यहाँ पर हमें करंट स्पीड जो आ रही है वो है लगभग 1 Mbps की, और अपलोड स्पीड जो हमें आ रही है अभी यहाँ पर वो जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी लगभग 1 Mbps की ही है, 1.3-1.5 Mbps। सो दोस्तों, इसे स्पीड अप करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, SnapVPN। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद SnapVPN को आप ओपन करिए। ओपन होने के बाद ये ऑटो कनेक्ट होने लगेगा। तो दोस्तों, ये कनेक्टेड हो चुकी है इंडिया की क्लोजेस्ट सर्वर से। सो अभी आप देख सकते हैं हमें क्या स्पीड आ रही है। टेस्टिंग पिंग, तो दोस्तों ये टेस्टिंग पिंग हो चुका है, देखते हैं हमें क्या स्पीड आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड जो है वो आपकी 7-8 Mbps तक जा रही है, और ये वहाँ तक नहीं जा रही है 30 Mbps। तो वो सारे वीडियोस फेक हैं दोस्तों। अगर आप अपने स्पीड बढ़ाना चाहते हैं जियो की, तो आप SnapVPN को डालें और अपना स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं इससे। सो दोस्तों, ये था कि आप अपने जियो की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर से ज़रूर एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।